रेवाड़ी की अनाज मंडी पहुंचे कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने बाजरा खरीद का जायजा लिया। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि किसानों को भले ही बाजरा फसल की खरीद का सही दाम मिल रहा हो, लेकिन खरीद में जो देरी हो रही है वो चिंता का विषय है। इसके लिए इनका प्रयास रहेगा कि फसल खरीद का समय बढ़ाया जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहीं बिहार चुनावों को लेकर विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि सभी जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस है और लालू प्रसाद यादव इनके ससुर हैं। इसके नाते ये चुनावों में उनकी हर संभव मदद करेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने कृषि बिलों को काला कानून बताया और किसानों को इसका नुकसान कुछ समय बाद पता चलेगा। जो खरीद हो रही है वो बहुत धीरे हो रही है। इसके लिए पिछले दिनों में भी मैंने चंडीगढ़ में मुलाकात करी थी कि भाई हमारे जो रेवाड़ी के अंदर, क्योंकि 45 दिन का पूरे प्रदेश के अंदर ये कह रहे समय दिया जाएगा और उसमें करीबन 10 दिन की छुट्टियां रहेंगी, तो मुझे लगता है कि 200 के हिसाब से भी सभी किसानों का कब नंबर आएगा ये आप सब सोच सकते हो। तो मैंने वैसे गुहार तो लगाई थी, मुख्यमंत्री जी से भी हम मिले थे कि या तो खरीद का जो टाइम है वो थोड़ा बढ़ाया जाए या किसानों का जो टोकन है वो बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है, उम्मीद है इसके ऊपर कोई ना कोई सरकार इसके ऊपर ध्यान देते हुए उचित कार्रवाई इसके अंदर करेगी। किसानों का जो ये लोग 3 बिल लेके आए उसके लिए भी आपको बताना चाहूँगा, नरेंद्र सिंह तोमर जी से ही मैंने पिछले दिनों में मुलाकात करी, उनके आगे हमने ये बात रखी कि भाई इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत एक काला कानून ये लोग, इस सरकार ये लेके आई है, जिससे आज किसान हमारे सिरसा हिसार के उधर के तो समझ पा रहे हैं, हमारे वाले किसान को भी बहुत जल्दी ये बात समझ में आएगी कि कितना बड़ा दिक्कत इनको इससे आने वाले समय के अंदर हो जाएगी। वी न्यूज़ के लिए रेवाड़ी से चंद्रशेखर की रिपोर्ट।